Good evening to all. Welcome to the Vidya Bhati Kashi Pranar YouTube channel. Myself Sandeep Gupta, Computer Teacher, Juala Devi Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Civil Lines, Prayagraj. And today I am going to give you an introduction of basics of computer. And this video is mainly made for the junior class student. In this video, the topic we have included that what is computer, features of computer. फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 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 एज वी ऑल वेरी मच फेमिलियर अबाउट द टर्म हम सभी से बहुत भली भांति परिचित हैं अपने जीवन में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है लेकिन क्या हम कंप्यूटर के बारे में प्रयोग करने के साथ साथ उसके बारे में जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं और जो हमारे जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी तो सर सबसे पहले वॉट इज कंप्यूटर डेफिनेशन वाइज देखें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट प्रोसेस दैम एंड गिव द रिजल्ट एज आउटपुट यानी कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो प्रयोगकर्ता से डेटा और निर्देश प्राप्त करती है और उस दिए गए डेटा और निर्देशों के आधार पर प्रोसेसिंग का कार्य करती है और प्रोसेसिंग के कार्य करने के पश्चात जो भी उसको परिणाम प्राप्त होता है वो हमें वापस प्रदान करती है आसान शब्दों में हम कहें तो कंप्यूटर जिस कार्य प्रणाली पे काम करता है उस कार्य प्रणाली का नाम है आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट सर्वप्रथम हमने इनपुट दिया डेटा की प्रोसेसिंग हुई और आपको आउटपुट प्राप्त हो गया फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्यों कंप्यूटर आज इतना ज्यादा पॉपुलर है कि दुनिया के हर क्षेत्रों में उसका प्रयोग किया जा रहा है आज कंप्यूटर के बिना हम अपनी लाइफ को संभव नहीं सोच सकते अपने किस तरीके से हमारे काम होंगे किस तरीके से हम सीटों को मैनेज कर पाएंगे विदाउट कंप्यूटर ये थोड़ा सा नामुमकिन सी बात लगती है तो क्या ऐसी खूबियां हैं कंप्यूटर में जिसकी वजह से आज कंप्यूटर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है या कंप्यूटर हमारी इतनी बेसिक जरूरत बन गया है सबसे पहले इसकी जो फीचर है वो है स्पीड कंप्यूटर की कार्य करने की गति अगर हम कंप्यूटर की कार्य करने की गति की बात करें तो ह्यूमन की तुलना में कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है कंप्यूटर की कार्य करने की गति नैनो सेकंड और पीको सेकेंड में होती है बताऊ आपको तो नैनो सेकेंड

दूसरा हमारा फीचर दिया हुआ है एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता कंप्यूटर जो भी काम करता है कंप्यूटर जो भी आपको रिजल्ट देता है वो दिए गए डेटा और निर्देशों के आधार पर कार्य करता है कंप्यूटर नेवर डू द मिस्टेक कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है अगर हमने सही इनपुट दिया है तो कंप्यूटर आपको सही आउटपुट देगा एक छोटा सा उदाहरण है अगर हम एटीएम मशीन की बात करते हैं वो भी कंप्यूटर का एग्जांपल है अगर हमने सही तरीके से कार्ड इंसर्ट किया सही तरीके से हमने हमने पिन पिन उसमें इंसर्ट करी करी हुई है पिन हमने सही इंटर करी, तो जो हमारा अमाउंट है वो सही निकल कर आएगा गलती तब होती है जब हम पिन गलत इनपुट करते हैं मशीनें कभी भी मिस्टेक नहीं करती हैं तो यह दूसरी क्वालिटी है एक्यूरेसी तीसरा फीचर आता है स्टोरेज कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की जो संग्रहण क्षमता है वो ह्यूमन की तुलना में बहुत ज्यादा है कंप्यूटर जिस चीजों को स्टोर करके रखता है वो एक लंबे समय तक के लिए स्टोर करके कर रखता है मतलब एक बार हमने कंप्यूटर में कोई चीज स्टोर कर दी तो वो उसकी हार्ड डिस्क में एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए जब हम कहते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए अनंत काल के लिए वो चीज वहां पर जाकर सेव हो जाती है कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई कि हार्ड डिस्क क्रैश कर गई या कंप्यूटर ही करप्ट हो गया तो बात अलग है वरना एक बार सेव किया हुआ डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और ज्यादा सुरक्षित करना है तो हम डेटा को सर्वर पर रख देते हैं जैसे आजकल आप देखते हो कि आपको कोई भी चीज ढूंढनी होती है तो गूगल पे जाकर उस चीज को ढूंढ लेते हैं वो तो बेस्ट है स्टोरेज कैपेसिटी का यानी कि गूगल के सर्वर पे जो चीज रखी हुई है दुनिया में अगर कहीं नहीं मिल रही है आपको आप गूगल पे सर्च करेंगे और आपको वो चीज मिल जाएगी चौथा फीचर हमारा आता है नेवर टायर्ड कभी ना थकने वाला कंप्यूटर गिव यू अ कंसिस्टेंट सर्विस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कंप्यूटर आपको लंबे समय तक एक निश्चित आ, स्टेमिना के साथ सर्विस प्रोवाइड करता है जिस स्टेमिना के साथ या जिस एनर्जी के साथ कंप्यूटर सुबह काम कर रहा है उसी एनर्जी के साथ उसी स्टेमि के साथ कंप्यूटर शाम को भी काम कर रहा है ह्यूमन के साथ ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक होता है क्योंकि हम टाइम बीतने के साथ या वर्कलोड बढ़ने के साथ हमारा टायर्डनेस बढ़ जाती है हम थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर के साथ इस तरीके की सिचुएशन नहीं आती एंड एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज वर्सेटाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल ये वर्ड हम लोगों ने सुना होगा वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी बहुमुखी का मतलब है कि एबल टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क उसके अंदर सभी कार्यों को करने की क्षमता वर्सटैलिटी जैसे विद्यालय में कोई बच्चा है वो सभी कामों को कर ले रहा है वो पढ़ने में भी अच्छा है वो खेलकूद में भी अच्छा है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है तो उस बच्चे हम कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज अ वर्सेटाइल स्टूडेंट इसी तरीके से कंप्यूटर कंप्यूटर में आप पढ़ाई कर सकते हैं आप गेम खेल सकते हैं आप वीडियो देख सकते हैं आप मूवी बना सकते हैं आप फोटो खींच सकते हैं फोन कॉलिंग कर सकते हैं यानी कि एक ही मशीन के द्वारा हम उन सारे कामों को कर सकते हैं जिनको जिनको पहले करने के लिए हमें अलग अलग मशीनों की आवश्यकता पड़ती थी सो दीज आर द फाइव फीचर ये वो पांच क्वालिटीज है कंप्यूटर की जिसने कंप्यूटर को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की वर्किंग इकाई अभी मैंने आपको पिछली बताया कि कंप्यूटर जिस प्रिंसिपल या प्रणाली पे कार्य करता है उसे आईपीओ कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट उसी चक्र को आधार मानकर या उसी चक्र को बेस मानकर कंप्यूटर को तीन इकाइयों में बांटा गया फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट सेकेंड वन इज सी पी यू एंड थर्ड वन इज आउटपुट यूनिट आप देख रहे हैं इनपुट हमने कोई भी डेटा किया या इंस्ट्रक्शन किया वो सीपीयू के पास जाता है सीपीयू के तीन भाग हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लॉजिक यूनिट और उसके बाद जो भी रिजल्ट हमको होता है वो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है इस डायग्राम को हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं एक एक करके बात करेंगे सबसे पहले कह रहा है इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट आर द यूनिट बाई विच यूजर कैन गिव डेटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यानी कि इनपुट इकाई वह इकाई है जिसके द्वारा प्रयोग करता है कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देता है जैसे कीबोर्ड है माउस है स्कैनर है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं दोज डिवाइस विच कम्स अंडर इनपुट यूनिट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस फॉर एग्जाम्पल की बोर्ड माउस स्कैनर वो सभी युक्तियां कंप्यूटर से जुड़ी हुई वो सभी डिवाइसेज जो इनपुट यूनिट के अंतर्गत कर काम करती है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। उसके बाद हमारा आता है आउटपुट यूनिट आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू गिव द रिजल्ट यानी कि वो इकाई जिसके द्वारा हम परिणामों को प्राप्त करते हैं वो हमारी आउटपुट यूनिट कहलाती है तो जो भी डिवाइसेज जिसके द्वारा हम परिणाम हमको मिल रहे हैं फिर चाहे वो प्रोजेक्टर हो चाहे वो मॉनिटर हो चाहे वो प्रिंटर हो वो सब किस कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं आपके आउटपुट यूनिट की कैटेगरी में जिसे हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक लाइन यहां लिखी गई है इट इज कंसीडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है कि जिस तरह ह्यूमन को कुछ काम करने के लिए या कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ सोचने के लिए ब्रेन चाहिए ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को भी काम करने के लिए सीपीयू चाहिए सीपीयू के बिना कंप्यूटर किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकता इसीलिए इसको कहा गया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं तीन मुख्य भाग है फर्स्ट वन इज एएलैटिक लॉजिक यूनिट सेकेंड वन इज सी यू कंट्रोल यूनिट एंड द थर्ड वन इज एम यू मेमोरी यूनिट वन बाई वन हम इसको आगे की स्लाइड्स में देखेंगे ये एक फिगर मैंने आपको दिखाया है जो हम लोग पहचानते हैं इसे हम सीपीयू कहते हैं ये एक कैबिनेट है जिसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है ठीक है तो एलयू यू अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट नाम से क्लियर हो रहा है अर्थमैटिक यानी कि वो सारे ऑपरेशन जो मैथमेटिक्स से संबंधित हैं वो कहलाते हैं अर्थमैटिक ऑपरेशन लॉजिकल वो सारे ऑपरेशन जो लॉजिक लॉजिक का मतलब होता है तर्क जो तर्क से संबंधित है यानी कि आ, ऐसे ऑपरेशन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा तो कंप्यूटर दो ही तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है एक अर्थमेटिक और एक लॉजिकल तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एलयू यूनिट रिस्पांसिबल होती है फिर आता है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन गतिविधियों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कंट्रोल यूनिट की होती है थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की एक प्रमुख इकाई जो कि कंप्यूटर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंप्यूटर को इस ये क्षमता उपलब्ध उपलब कराती है कि वो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सके इसको हम डिटेल में देखेंगे मेमोरी एज वी नो दैट कंप्यूटर कैन स्टोर द डेटा इट इज ऑनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेमोरी हम जानते हैं कि कंप्यूटर डेटा को स्टोर रख सकता है अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत ज्यादा है और वो चीजों को स्टोर करके रखता है ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया मेमोरी से देखिए आप यहां देख रहे हो कि कंप्यूटर मेमोरी आर ऑफ टू टाइप इंटरनल और एक्सटर्नल थोड़ा सा मैं कंपेयर करूंगा ह्यूमन मेमोरी से और कंप्यूटर की मेमोरी को अगर हम ह्यूमन मेमोरी की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही मेमोरी होती है उसी मेमोरी में हम डेटा स्टोर भी करते हैं और डेटा को क्रिया उसका क्रियान्वयन भी करते हैं मतलब कि कुछ सोचना है उसके लिए भी एक ही दिमाग है और कुछ स्टोर करना है उसके लिए भी एक ही दिमाग है इसीलिए हमारे दिमाग की एक लिमिटेशन है हम एक सर्टेन सर्टेन टाइम तक ही चीज़ों को याद रख पाते हैं क्योंकि हम उसी दिमाग का यूज़ दोनों कामों के लिए कर रहे हैं कंप्यूटर में इससे थोड़ा सा अलग प्रिंसिपल काम करता है इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इंटरनल मेमोरी इसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी कंप्यूटर में कोई भी क्रिया अगर परफॉर्म हो रही है किसी फाइल को आप रन करा रहे हैं कोई एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है तो वो इंटरनल मेमोरी के अंदर काम करती है एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर के अंदर अगर कोई चीज परमानेंटली स्टोर है जब आपने कंप्यूटर बंद कर दिया और कोई चीज अगर कंप्यूटर के अंदर स्टोर है तो वो एक्सटर्नल मेमोरी में है एग्जाम्पल इसका हार्ड डिस्क सी डी डी बी पेन ड्राइव ये सारी चीजें होती हैं अब इंटरनल मेमोरी की बात कर रहा हूं तो इसके अंतर्गत दो मेमोरी आती है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हम सभी रैम के बारे में जानते हैं किसी भी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसकी रैम पर डिपेंड करती है जब कंप्यूटर की स्पीड को हमें बढ़ाना होता है तो हम रैम को बढ़ा लेते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कोई भी फाइल जब आप रन कराते हो सपोज करिए कि आपके कंप्यूटर में एक फाइल पड़ी हुई है लेकिन आपको उस फाइल को रन कराना है कोई एक सॉन्ग है कोई एक मूवी है कोई एक गेम है वो पड़ा हुआ है आपने उस पर डबल क्लिक किया और वो रन कर गया जब तक वो आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ था तो वो कहां था एक्सटर्नल मेमोरी में और जब वो रन करने लगा तो वो कहां आ गया रैम में यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में जब तक वो रन कर रहा है जब तक वो रन कर रहा है वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहेगा जैसे ही उसकी रनिंग खत्म उसका काम खत्म हो गया वो ऑटोमेटिकली रैम से हटेगा और वापस जाके वो एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा तो ये इंटरनल प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है हार्ड डिस्क से रैम में आना रैम में एग्जीक्यूशन होना और काम खत्म हो जाने के बाद वापस से रैम से हार्ड डिस्क डेटा का चला जाना दूसरा होता है रोम रीड ओनली मेमोरी अब भाई सारा काम तो रैम कर रहा है तो रोम का क्या यूज है ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर सारा सारा काम तो रैम करता है तो रोम का क्या यूज है तो थोड़ा सा रोम की बात करेंगे देखिए नाम से क्लियर हो रहा है रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम सिर्फ चीजों को पढ़ सकते हैं तो ऐसी कौन सी चीज उसमें लिखी है जिसे हम पढ़ सकते हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है उसमें जो भी हार्डवेयर जो भी डिवाइसेस लगी होती हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो रोम में स्टोर कर दी जाती है वो रोम में स्टोर कर दी जाती है और कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर जब, जब स्टार्ट होता है तो वो एक प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है जब आप सीपीयू को ऑन करने से लेकर डेस्कटॉप आने के बीच में जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है बूटिंग तो बूटिंग के समय कंप्यूटर को कुछ जानकारियां चाहिए होती हैं चेक करने के लिए चीजों को कि रैम लगी है या नहीं प्रॉपर सारे जो इंटरनल वायर्स वगैरह लगे हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं तो वो सारी जानकारियां उसको रीड ऑनली मेमोरी से मिलती है तो एक अगर समरी की बात करें तो कोई फाइल अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो वो रैम में हो रही है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यानी बूटिंग प्रोसेस के दौरान जिस मेमोरी की जरूरत हो रही है वो आपकी रीड ऑनली मेमोरी की हो रही है तो ये आपका एक मेमोरी का पूरा एक ओवरव्यू है कि कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल में फाइलें एग्जीक्यूट होती हैं और एक्सटर्नल में फाइलें परमानेंटली जाके सेव हो जाती हैं। इंटरनल की बात करता हूं तो रैम और रोम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की पीढ़ियां फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमने 1940 से कंप्यूटर की पीढ़ियां स्टार्ट हुई और हम पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर विकास होता जा रहा है क्या विकास हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से कंप्यूटर का आकार कंप्यूटर की वर्किंग क्षमता बदल रही है प्रथम पीढ़ी में क्या था द्वितीय में क्या था थर्ड में क्या हो गया फोर्थ में क्या हो गया फिफ्थ में क्या हो गया जनरेशन बाय जनरेशन जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो कंप्यूटर का जो साइज है वो कॉम्पैक्ट होता जा रहा है और कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती जा रही है इस एक लाइन में अगर आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं तो वो डेफिनेशन पूरी की पूरी कंप्लीट होती है कि बाय जनरेशन टू जनरेशन कंप्यूटर कैपेबिलिटी इंक्रीजेस एंड द कंप्यूटर साइज रिड्यूसेज पूरी जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसे पांच पीढ़ियों में बांटा गया तो मैंने यहां पर इसको दिखाया है कि किस पीढ़ी कौन सी पीढ़ी कब से कब तक थी और इसमें मेन क्या चीज यूज होता था वन बाय वन इस पे बात करेंगे पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज नाइनटीन फोर्टी टू नाइनटीन यहां पर जिस चीज का हम इस्तेमाल करते थे वो है आपका वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब अब वैक्यूम ट्यूब है क्या हम लोगों ने अपने घरों में वैक्यूम क्लीनर देखा है तो उसमें एक वैक्यूम पाइप लगा होता है जिससे एक प्रेशर जनरेट किया जाता है और उस प्रेशर से आपके घर का जो भी कचरा वगैरह होता है वो मशीन खींच लेती है वैसा ही एक वैक्यूम ट्यूब उस समय के कंप्यूटर में यूज किया जाता था तो एक प्रेशर जनरेट होता था कंप्यूटर के पार्ट एक्टिवेट हो जाते थे काम करने लगते थे यानी कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था वो इस जनरेशन में आज आ चुका था लेकिन इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काफी हैवी कंप्यूटर थे करीब दो कमरों के बराबर वो कंप्यूटर आता था सो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर उस कंप्यूटर को संचालित कर पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था या हम कह सकते बहुत ज्यादा जटिल था और तो कंप्यूटर तो आया लोगों के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट तो आया लेकिन उस पर काम करना मुश्किल था तो उतना फर्स्ट जनरेशन हमारी सक्सेसफुल नहीं रही फिर हमारा आया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1956 से 1963 तक था वहां पर जो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर एक और डिवाइस यूज करने लगे हम ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर जैसी डिवाइस हमने देखी है घरों में जब हम पहले रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह होते थे उसमें एक छोटी सी डिवाइस लगी होती थी उसका यूज करने लगे तो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में काफी तेजी से परिवर्तन आया और इसका साइज रिड्यूस हो गया लेकिन अभी भी इस जनरेशन के कंप्यूटर भी एक आम आदमी की पहुंच में नहीं आए थे वो भी जो है कंपनियों बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा प्रयोग किए जाते थे कंप्यूटर के क्षेत्र में जो जिसे आप कहते हो कि एक रिवोल्यूशन आया या क्रांति आई वो आई आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कि 1964 से 1971 तक था वहां पर यूज किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आईसी एक ऐसा जो आज हम सभी लोग जानते हैं मोबाइल में या आप देखते हो पूरा पूरा सिम जो होता है उसमें आईसी वगैरह का यूज किया जाता है तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट आया मतलब पूरा का पूरा जो सर्किट है वो उस एक चिप पर असेंबल कर दिया गया जिस कारण से जो कंप्यूटर का आकार था वो काफी छोटा हुआ और जो पर्सनल कंप्यूटर जो आम आदमी जिस तरीके का कंप्यूटर चाहता था वो उसकी पहुंच में आया फिर हम फोर्थ जनरेशन पे आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये इस जनरेशन को माना जाता है कि कंप्यूटर के कंप्यूटर में जो ड्रास्टिक जो एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन आया था कंप्यूटर लोगों तक पहुंच पाया लोगों ने कंप्यूटर को यूज करना स्टार्ट कर दिया वो फोर्थ जनरेशन में हुआ तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी थी 1971 से 1990 तक यहां पर हम वीएलएसआई वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब कि आईसी में क्या होता था कि मान लीजिए कि हम उस आईसी के ऊपर कई हजार सर्किट लगा पा रहे हैं तो वीएलएसआई ने आपको आपसे क्या कहा कि आप एक ऐसी चिप बनाओ जिसके आप ऊपर आप कई सारे आईसी लगा सकते हो तो यहां पर जो चिप थी दैट चिप विल बी कन्वर्टेड इन टू चिप वो और भी छोटी हो गई जब और भी छोटी हो गई और नंबर ऑफ सर्किट उस पर ज्यादा हो गए तो हम बड़ी तेजी से आईसी कन्वर्ट हो गया वीएलएसआई में और यहां पर चिप की बजाय हम माइक्रो चिप का कॉन्सेप्ट यूज करने लगे जब हम माइक्रो चिप बनाने लगे तो वहां पर प्रोसेसर कन्वर्ट हो गया माइक्रो प्रोसेसर में और जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट प्रोसेसर से किया गया तो वो कंप्यूटर कहलाया माइक्रो कंप्यूटर और आज की डेट में भी हमारा हम माइक्रो कंप्यूटर पर ही काम करते हैं कंप्यूटर के चार प्रकार होते हैं माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर लेकिन हम जिस कंप्यूटर पे काम करते हैं जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है उसे क्यों कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्योंकि उसे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो चुका था जिस तरह का कंप्यूटर आज हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें फोर्थ जनरेशन में प्राप्त हुआ था एंड द लास्ट वन इज़ फिफ्थ जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर जो कि उन्नीस से अब तक चल रही है यहाँ पर कंप्यूटर को और बेहतर बनाने की कोशिश करी जा रही है कंप्यूटर में और सुधार करने की कोशिश की जा रही है तो जिस टेक्नोलॉजी पे या जिस कॉन्सेप्ट काम चल रहा है वो आपका है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग जानते हैं दो शब्द है आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस है या जो सोचने समझने की क्षमता है वो हमें बाई बर्थ मिली है जिसे हम कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस ऐसी कुछ सोचने समझने की क्षमता हमारे रिसर्चर हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि मशीनों को भी दिया जा सके तो जो कंप्यूटर स्वतः अपना काम कर सके उसके लिए उससे किसी ह्यूमन की जरूरत ना पड़े और कुछ जगहों में ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी हो गया है आजकल आपने देखा होगा कि ई रोबोट यूज होने लगे हैं वो ई e वेटर रोबोट वगैरह वेटर का काम करने लगे हैं ड्राइवर रही ट्रेनें आ गई हैं तो इस तरीके से मशीनें बनाई जाने लगी हैं कि वो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन पहले से डाल दिया जाए और वो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को देखते हुए खुद ब खुद अपना निर्णय ले पाए तो कंप्यूटर दो कमरों से स्टार्ट हुआ कंप्यूटर आज उस स्थिति में आ गया है जब हम हैंड हेल्ड या पॉकेट डिवाइस आज हम लैपटॉप हो गया टैबलेट हो गया मोबाइल्स हैं हम यूज कर रहे हैं और सारा काम हमारा चल रहा है तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर फॉर द जूनियर क्लास स्टूडेंट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड आई होप कि इस चैप्टर के बाद कल आपका पेपर भी है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके फर्स्ट चैप्टर के डाउट हैं डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएंगे और सिस के अलावा और भी जो बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर के बेसिस की जानकारी है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा थैंक यू इसके आगे की चीजें हम आगे के वीडियो में देखेंगे थैंक यू वेरी मच